सो एवरी वन, वी हैव हितेश पांडे विद अस, हु इज ऑल इंडिया रैंक 3 इन ऑल IIT जैम 2023, और इन्होंने TIFR का भी जो Level 1 एग्जाम होता है इंटीग्रेटेड PhD के लिए वो भी क्रैक किया है. तो बाकी अपना इंट्रोडक्शन खुद ही देंगे. हितेश आप अपना प्लीज इंट्रोडक्शन दीजिए. मैं हितेश पांडे, और वैसे मैं बिलोंग उत्तराखंड से करता हूँ, लेकिन मेरी ग्रेजुएशन अभी हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से चल रही है। और जैसा कि आपको पता है, अभी मेरी एमएससी करने की एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी करने का आगे प्लान है। ओके बहुत बढ़िया बेहतरीन. और कॉलेज कौन सा है आपका? कॉलेज हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नॉर्थ कैंपस। ओके चलिए बहुत बढ़िया. सो कैसा रहा आपका यहाँ पर प्रिपरेशन जर्नी, कैसी रही आपकी? और जिस जैसे आप, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स आपको ये जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो यही जानने में इंटरेस्टेड है कि हितेश पांडे ऑल इंडिया रैंक 3 कैसे लेके आया. तो बताइए कैसे आप लेके आए ऑल इंडिया रैंक 3? सर, मेन चीज यह है कि कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो उस एग्जाम से पर्पस अचीव होने वाला है वो क्या है। जैसे ये एमएससी एंट्रेंस है, तो जो भी एडमिटिंग इंस्टीट्यूट से वो चाहेगा कि आपके बीएससी के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो फंडामेंटल लेवल पे, यानी कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा हो। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, अगर वो क्लियर हैं आपके और आपने थोड़ा प्रॉब्लम्स कर रखी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी है, तो फिर हो सकता है क्लियर। मतलब सिर्फ डेफिनेटली आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए याद नहीं करना है, आपको अगर किसी टॉपिक को पढ़ना है तो उसको समझ लेना है, फिर एक इंट्यूशन के साथ समझना है ऐसे। आई अग्री विद दिस पॉइंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बच्चे शायद नहीं समझ पाते कि बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने फंडामेंटल्स को एक 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 हद तक क्लियर करना बहुत जरूरी है. अब चाहे आप उसे सेल्फ स्टडी से करें, चाहे आप किसी अच्छे टीचर या किसी कोचिंग के गाइडेंस में करें, लेकिन कंसेप्ट क्लियरिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर वो क्लियर होगा तो जो है एक अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा. मुझे याद है जब मैं भी अपनी IIT जैम की तैयारी कर रहा था और 2019 में मुझे ऑल इंडिया रैंक 25 आया था IIT जैम में, तो सबसे ज्यादा मैंने जो अपनी प्रिपरेशन के ईयर में जो फोकस किया है वो फंडामेंटल्स पे ही किया है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे फंडामेंटल्स स्ट्रांग होंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा. और उसी के बदौलत जो एक अच्छा परफॉर्मेंस मैं ऑल इंडिया रैंक 25 IIT जैम में दे पाया या फिर TIFR का जो मेरा एग्जाम क्रैक हुआ था वो फंडामेंटल्स की वजह से ही हुआ है. और आपका भी जैसे आप कह रहे हैं TIFR क्रैक हुआ, ऑल इंडिया रैंक 3 लेके आए हैं, तो वो भी फंडामेंटल्स की वजह से. डेफिनेटली बहुत रोल प्ले करते हैं हमारे फंडामेंटल्स. और आगे जर्नी के बारे में बताइए, और कैसी रही आपकी जर्नी प्रिपरेशन की? जर्नी तो अब हमारा बैच तो कोविड बैच, मतलब हमारा एडमिशन भी ऑनलाइन हुआ था और हमारे पहले भी तरीके से ऑनलाइन रहे थे, तो तब उतना फोकस नहीं हो पाता था स्टडीज में, क्योंकि सब ऑनलाइन क्लासेस ही होती थी। फोर्थ के हमारा तब से सीरियस पढ़ाई कर रही हमने। हाँ, कॉलेज तो पहले भी समझ लेते थे, लेकिन ऐसे होता है ना, ऑनलाइन में उनका क्लासेस को सीरियसली नहीं लेते हैं और एग्जाम्स भी हम सीरियसली नहीं लेते हैं। हमारा सेकंड सेमेस्टर का तो एग्जाम भी नहीं हुआ था, लेकिन जब फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स आए तो उसके बाद से थोड़ा सा हमको सीरियसनेस भी आई पढ़ाई के प्रति। तो ये थोड़ा यूनिक रहा हमारा, पहले के 3 सेमेस्टर तो ऑनलाइन चले गए थे। बहुत बढ़िया. तो आपने जो है पूरे 3 साल लगकर मेहनत करी है और प्रिपरेशन करी है. लास्ट टाइम में आपने क्या किया? मतलब लास्ट के जो 3 महीने रह जाते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो स्टूडेंट को वहां पर एक अच्छी रैंक लाने के लिए क्या कर सकता है या आपने क्या किया? सर, जैसे है ना, अगर आप जैम के एग्जाम दे रहे हैं तो जो भी बच्चे दे रहे हैं, हजारों बच्चे, कम से कम उनमें से 1000-2000 का मेंटल लेवल तो आपके जितना ही होगा, उन्होंने पढ़ रखा होगा अच्छा, वो अच्छे रैंक ला सकते हैं। लेकिन फिर सब बात वही आ जाती है कि आपने अपने वो तो 3 घंटे हैं वो कैसे मैनेज करें, आपने क्या स्ट्रेटेजी से पेपर दिया, उसी से तो रैंक डिसाइड होती है, एक एक दो दो नंबर से भी। तो लास्ट टाइम में सबसे पहले तो किसी क्वेश्चन को करने में आपको एग्जाम में टाइम कम तब लगेगा जब आपने उस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में कम टाइम लगेगा और उतना आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो टाइम कम लगेगा अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। और एक चीज और कि टाइम बाउंड एग्जाम्स में कई बार हम पैनिक कर जाते हैं, तो वो पैनिक या हम ना करें या हम अच्छे से सेक्शंस को टाइम दे, तो उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी मॉक टेस्ट दिया और 2-4 और मॉक टेस्ट दिए, तो उससे मॉक टेस्ट शुरुआत वाले बड़े खराब गए थे, लेकिन धीमे धीमे देते देते वो टाइम मैनेजमेंट की, जैसे एमएसक्यू में कितना टाइम देना है, एमसीक्यू में और नेट में कितना टाइम देना है, ये मॉक टेस्ट की बहुत हेल्प होती है मॉक टेस्ट से। और लास्ट में एक ये चीज की
एग्जाम जो हम देने जा रहे हैं हमें उसका लेवल का पूरा आइडिया होता है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट के 15 डेज में तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे तो 2014 से 2022 तक के। डेफिनेटली डेफिनेटली आप भी सेम बात ही कह रहे हैं, और मैंने जितने और भी बाकी टॉपर से बात करी, एक के एक चीज जो है कॉमन है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस किया है, और इवन एज अ टीचर मैंने भी प्रीवियस ईयर सारे पढ़ाए हैं। मैंने पिछले 8 ईयर्स के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को करवाए थे यहाँ पर, और उनका बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और उनका ही जो एक मुझे मैसेज जो आ रहा है कि हाँ सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने जो है बहुत ज्यादा हेल्प किया। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जैसे आप बता रहे हैं कि एनालिसिस वीडियो भी आपने जो देखी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प करी स्टूडेंट्स को, जो मैंने बना रखी है हर सब्जेक्ट के लिए, सातों सब्जेक्ट्स के लिए जो मैंने वीडियो बना रखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, वो डेफिनेटली बहुत लोगों को हेल्प हुआ है। उससे मेरे को बहुत सारे अच्छे कमेंट्स जो है उसके बारे में सुनने को मिल रहे हैं। हाँ जैसे ये जो एग्जाम पेपर एनालिसिस किया ना, इससे मेरी भी बहुत हेल्प हुई। जैसे अब हम अगर सिलेबस की पीडीएफ देखें उसमें से एक एक टॉपिक को उठा के पढ़ने बैठ जाए तो ठीक है पढ़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में उससे उतनी हेल्प नहीं होगी अगर हम एक एक टॉपिक को उठा के पूरा पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये स्पेसिफिक एग्जाम ओरिएंटेड ना, जैसे कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीट होते हैं या किन टॉपिक्स को ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो उस पर अगर हम फोकस करें तो उससे रैंक अच्छी हो सकती है। अगर हम सारे टॉपिक्स, अगर हमारे पास टाइम नहीं है लाइन से पढ़ने का, तो हम मेन मेन जो है प्रीवियस ईयर के हिसाब से कर सकते हैं, वो भी काफी हेल्प करता है। डेफिनेटली भाई डेफिनेटली, ये बहुत ही अच्छा वैलिड पॉइंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को अगर आप ध्यान ज्यादा देंगे, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आए हुए हैं उन पर अगर आप ज्यादा फोकस करेंगे, तो एक अच्छी रैंक, ऑल इंडिया रैंक 3 जैसी रैंक आप जरूर यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अच्छा, कुछ जैम 2024 वालों के लिए कुछ कहना चाहोगे, जो आपको स्टूडेंट्स देख रहे हैं 24-25 वाले? यही कहना है कि डिस्ट्रैक्शंस नहीं रखने हैं अपने अंदर। जैसे अगर ये नहीं कि फोन में क्लास ले रहे हो तो फिर क्लास के बाद 2-3 घंटे उसी में, क्योंकि उससे क्या होता है ना, वो 2-3 घंटे तो बर्बाद होते हैं, उसके बाद फिर दिमाग हमारा स्ट्रेन हो जाता है, हम नहीं ध्यान दे पाते हैं पढ़ाई में। तो जितनी पढ़ाई करी करी उसके बाद स्क्रीन टाइम कम करना है, क्योंकि उससे फिर फोकस नहीं बन पाता। और जो मेन स्टैंडर्ड बुक्स है जिनके पास टाइम है अभी बहुत ज्यादा, तो वो उन स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें। और टाइम तो अभी है, 1 साल तो कम से कम है, तो वो स्टैंडर्ड बुक्स को एक एक बार तो पढ़ी ले सब जो मेन 7 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए। और लास्ट डेफिनेटली में प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो ये जो दो एडवाइजेज हैं स्टूडेंट्स के बहुत काम आएंगी, और पर्सनली मैं अपनी क्लासेस में भी यही सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार अभी टाइम है, बुक्स को अच्छे से, जो फंडामेंटल बुक्स हैं उन्हें पढ़िए, और जो प्रैक्टिस बुक्स हैं, जो जो मटेरियल बुक्स हैं उनको भी अच्छे से सॉल्व करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए। और जो डिस्ट्रैक्शन वाली आपने बात करी कि यार डिस्ट्रैक्शन को कम रखिए, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस जो हमें लेनी होती है उसके बाद बच्चा खो ही जाता है फोन में, वो बहुत जरूरी है कंट्रोल करना, अपने स्क्रीन टाइम को कंट्रोल में रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल। सो बहुत बढ़िया यार, थैंक यू हितेश फॉर यू नो दिस इंटरव्यू, एंड मैनी मैनी थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन यार। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन आपको, आपके पेरेंट्स को, और आप उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि एक छोटे छोटे गांव से बच्चे आकर, छोटे छोटे टाउन से आकर नाम रोशन कर रहे हैं यार, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की यार, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं आपको ऑल द थैंक यू बेस्ट सो कहूंगा आपके फ्यूचर के लिए। आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं, और मेरा एक एक आध चक्कर आईआईटी बॉम्बे लग ही जाता है हर साल, तो मैं आई होप आप वहां को, वहां पे मिल सकते हैं। ने अभी इंटरव्यू देखा था, उसके बाद एक जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये भी देख लीजिए यार, अगर आप आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं और आप आईआईटी बॉम्बे लेवल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ टॉपर बैच में स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 1 ईयर हम क्या कर रहे होते हैं सर, 2 टाइम्स डिटेल कोर्स, 2 टाइम रिविजन कोर्स, 2 टाइम प्रैक्टिस कोर्स, 2 टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वीकली संडे टेस्ट, 52 संडे होते हैं यार साल में, 52 टेस्ट आपको मेरी तरफ से मिल रहे होंगे, फुल मेगा टेस्ट मिल रहे होंगे आखिरी में, और सभी के इनके पीवाईक्यूज मैं आपको अपनी क्लास में करवा रहा हूंगा। अगर शेड्यूल की बात करें तो कुछ इस तरह से मेरा शेड्यूल था, आप देख सकते हैं 2024 के लिए 7 महीने में 7 सब्जेक्ट्स में यहां पर पढ़ा दूंगा, और ऐसा नहीं है जो आपके सब्जेक्ट्स छूट गए हैं वो छूट ही जाएंगे, ठीक है, वो दोबारा हम कवर अप कर रहे होंगे। तो पूरे 1 साल का शेड्यूल ये जो है आपके सामने मेरी दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें सर, आईआईटी जैम कैसे क्रैक हो सकता है, तो उसके लिए मेन 4 पॉइंट्स हैं। राइट गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है,
परफेक्ट मटेरियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्मार्ट वर्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सभी चार चीजें आपको मेरी क्लासेस के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। इसके थ्रू हमने बहुत सारे टॉपर्स प्रोड्यूस करे हैं, आप देख सकते हैं, IIT बॉम्बे, हैदराबाद, दिल्ली, खड़गपुर, यार ये सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हुए हैं, ठीक है। IIT जैम के साथ जेस्ट में भी हमारा बहुत अच्छा सिलेक्शन रहा था यार लास्ट ईयर, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों को राइट गाइडेंस, मोटिवेशन और करियर पाथ के ऊपर मैं लेके जा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स के यहाँ पर मैसेजेस आए हुए हैं, ठीक है। तो आप भी इनके वन ऑफ देम हो सकते हैं, यू कैन ज्वाइन योर प्रिपरेशन राइट नाउ, ठीक है। एंड बहुत सारी वीडियोस भी अवेलेबल हैं, IIT बॉम्बे मैंने कैसे क्रैक किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यू कैन ज्वाइन मी, ठीक है, लिंक थ्री अरोरा 10 पर जाके ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर हम कनेक्ट कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन माई क्लासेस, ठीक है, जिसका शेड्यूल मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, ठीक है यार। तो मिलते हैं आपको लाइव क्लासेस में, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो पहले वीडियो को लाइक करेंगे, फिर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और उन्हें बताएंगे कि मैं भी अगले साल ऐसा ही इंटरव्यू दे रहा होऊंगा जब मैं IIT जैम क्रैक करूंगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और कॉमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताएं कि यार ये वीडियो में आपको क्या सीखने को मिला, और सबसे अच्छी बात आपको इस वीडियो में क्या लगी।